हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो गाइस आज बहुत दिन के बाद तो व्लॉग कर रहा हूँ क्योंकि व्लॉग करने का रीज़न ही कुछ वैसा है, स्पेशल रीज़न है और चलो रीज़न बता ही देता हूँ। सो गाइस आज मैं चलाने वाला हूँ ट्रैम टाइगर GT 900 और मतलब टेस्ट ड्राइव लेने वाला हूँ। एंड आई वुड लाइक टू रियली थैंक्स टू ट्रैम मुंबई क्योंकि उन्होंने जो टेस्ट राइड है वो मेरे घर पर अरेंज किए और वो दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ट्रैम मुंबई का। सो गाइज इस दिन का मैं बहुत वेट कर रहा था कि मैं एक टाइगर रैली प्रो का टेस्ट राइड लूँ। चलो वो आगे देख लेंगे लेना है नहीं लेना है, बट आज GT का मैं टेस्ट राइड लेने वाला हूँ फॉर श्योर। क्योंकि गाइज जो मेरा लाइकिंग है वो पहले था स्पोर्ट्स कैटेगरी बाइक्स में, नाउ इट इज़ स्विच टू दी एडवेंचर टूरर एंड ट्रैम इज़ वन ऑफ द वेल नोन ब्रांड फॉर एडवेंचर टूरर बाइक्स। और टाइगर के बारे में तो क्या ही बोलना, आप गूगल कर लो GT 900 के बारे में। सो देखते हैं कैसा रहता है मेरा एक्सपीरियंस, आपको ब्लॉग में पता ही चल जाएगा। सो लेट्स गेट राइडिंग। ये लो भाई आ गई अपनी टाइगर। ओके गाइस देखो अपनी टाइगर GT 900 आ गई है टेस्ट राइड के लिए एंड दिस बाइक इज ह्यूमंगस। मतलब इतनी बड़ी बाइक तो मैं पहली बार चला रहा हूँ, मतलब R1 मैंने चलाई है, हायाबुसा चलाई है मैंने, बट ये बाइक मैं पहली बार चला रहा हूँ टाइगर 900। तो लेट्स सी ये बाइक का परफॉर्मेंस कैसा होता है एंड हाउ दिस परफॉर्म्स। वाओ माय गॉड गाइस, इसका पिकअप तो ज़बरदस्त है यार। मतलब अभी गाड़ी रोड मोड में है और देखो बाप रे बाप, व्हाट एन पिकअप, ओ माय गॉड। तो गाइस देखो अभी ये टाइगर होने के कारण देखो इतने जो भी खड्डे है कुछ भी फील नहीं हो रहे हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गुडनेस। तो गाइस गाड़ी मतलब क्या बताऊं आपको, इट लाइक कैचेस इन नो टाइम। तो गाइस इसका ABS और वो बहुत जबरदस्त है, क्या बताऊं मैं आपको इस गाड़ी के बारे में, एक नंबर गाड़ी है बॉस। ओके आई एम फोर गियर, ओह माय गुडनेस, व्हाट अ बाइक, व्हाट अ मशीन, टोटली थ्रिलिंग। और गाइस तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि गाड़ी का पिकअप एक्सेलरेशन बहुत ही ज़बरदस्त है और उसके साथ ही साथ गाड़ी में बहुत सारी एडिशनल फीचर्स भी आती है, लाइक ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, आप इस इंस्ट्रूमेंट कंसोल के थ्रू आप GoPro को भी कनेक्ट कर सकते हो, यू कैन कनेक्ट टू योर सेना एज वेल एंड बहुत सारे राइडिंग मोड्स भी आते हैं इसमें, ये 4 या 5 राइडिंग मोड्स आते हैं। प्लस जो TFT है वो ऑटो एडजस्ट हो जाता है, लाइक इफ़ यू आर राइडिंग ऑन अ डे टाइम तो ये वाइट हो जाएगा और फिर आप शेडो में या फिर नाइट टाइम में चलाओगे तो ये ब्लैक में टर्न हो जाएगा। सो गाइस इसमें इनलाइन 3 इंजन है 900cc का एंड दिस TFT डिस्प्ले इज वेरी ह्यूज, तो जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए यहाँ पे मिल जाएगा। दिस मीन्स की मिस एडजस्टेबल, सो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है एडजस्ट करने के लिए। एंड आई एम राइडिंग इन अ सिटी, सो सिटी में भी चलाने के लिए गाइस ज़बरदस्त बाइक है, एक नंबर बाइक है इसमें। सो गाइस इसमें मतलब कोई भी आपको ज़्यादा हेक्टिक नहीं है, ज़्यादा कुछ इसमें अभी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, इट जस्ट फायर्स अप इन अ मिनट। भाई ये गाड़ी को जितना पिकअप दोगे वो गाड़ी भागेगी, लेकिन उसको कंट्रोल करना भी उतना ही मुश्किल है। सो गाइस इसमें आपको बहुत सी चीजें देखने मिलती है, इट इज लाइक फ्यूल कंजम्पशन,
एवरेज आपका कितना मीटर, रेंज कितने तक जा सकती है, एंड यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर देखने मिलता है डिजिटल है, और यहाँ पे फ्यूल, यहाँ पे हीट मीटर, लो फ्यूल का इंडिकेटर आ रहा है, एंड देखो अभी इसमें रेंज दिखा रहा है 30 किलोमीटर तक जा सकती है बाइक। तो इसका जो अगर आप हाईवे पे क्रूज करोगे गाइस तो आपको इजीली आपको इसमें 25-30 का एवरेज मिल जाएगा। गाइस तो मैंने R1 चलाई है, हायाबुसा चलाई है, R1 3000 cc एंड हायाबुसा भी 1300 cc, लेकिन गाइस उसमें तो अलग लेवल का मजा है, लेकिन इसमें जो पिकअप है एब्सोल्युटली फिनोमिनल है, एब्सोल्युटली फिनोमिनल। मतलब अभी मैं क्या बताऊँ इस गाड़ी के बारे में, मतलब जो पिकअप जो लेती है गाड़ी वो जबरदस्त है एकदम। मतलब आपको पलक झपकी और आपने गाड़ी के 3 डिजिट का स्पीड पकड़ लिया, बस यही कुछ हाल है इस गाड़ी का। एंड आई बी टेकिंग मोर एडवेंचर बाइक्स का टेस्ट राइड, पता चल जाएगा आपको बाद में क्या है, मैंने क्या सोच के रखा है। तो गाइस जल्दी से सब्सक्राइब काउंट बढ़ा दो, 2000-2500 कर दो, फिर आपको एक मैं सरप्राइज दे दूंगा कि जो इतनी सारी अभी हम लोग टेस्ट राइड ले रहे हैं उनमें से शायद कुछ सरप्राइज अपने लिए हो सकता है। व्हाट अ फील एंड फीडबैक गाइस, सुपर भाई। तो बाइक की बात करें तो ज़बरदस्त ब्रेकिंग पावर है, थोड़ा सा नोज डाइव होगा क्योंकि जो सस्पेंशन है वो बहुत ही लंबा है, मतलब इसका सस्पेंशन ट्रैवल बहुत ही ज़्यादा है, तो थोड़ा सा नोज डाइव होगा, बट इतना भी नहीं है कि आप अपना कॉन्फिडेंस लूज करो। मतलब गाइस आप एडवेंचर टूरर अगर बाइक लेना चाहते हो और वो भी एंट्री लेवल में, तो मतलब एंट्री लेवल तो एग्जैक्टली नहीं है, बट दिस विल फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ योर टूरिंग बाइक। अगर वो बाइक आपने एक बार ली तो दूसरी बाइक आपको लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। आई मीन दिस इज फिनोमिनल पीस ऑफ आर्ट, क्या है यार, मतलब आपको 1000 cc चलाने का मजा ही कुछ और है। सो दिस इज माई फर्स्ट राइड ऑफ टाइगर 900 GT, अभी आगे चल के मैं रैली प्रो का भी करने वाला हूँ शायद, बट पता चल जाएगा आपको। और बस यही था आज का एक व्लॉग। सो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आ रहा है तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड मैं मिलूँगा आपको एक नई वीडियो के साथ में, एक नई बाइक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।